अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी में। शादी मेरे मामू के लड़के की है, तो मतलब मेरे भतीजे की है। अभी हम लोग निकल रहे, बस मैं रेडी होने जा रही हूँ। और वहाँ से दीदी भी आने वाले हैं, मम्मी है, भाभी, हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। अभी रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, हो गया तुम लोग तैयार? हाँ, हो गए। वालेकुम अस्सलाम। चलो, हो गए, बस रेडी हो गए हम लोग। चलो निकलते हैं अभी। अम्मी गुड़का पहन लो तो मेरे वो पकड़ो। चादरी पहन, चादरी। चल मेरा भी आउटफिट मैं दिखा दूँ, ये वाला। ये मेरा आउटफिट है, मैंने ये पहना है। मोजड़ी ओजड़ी भी दिखा ले, मोजड़ी ही नहीं सिर्फ ऊपर ही है मेरा आउटफिट दिखा। अब हमें दिखाने का तो पूरा अच्छे से दिखाने का ना। तो चलो बस अभी निकलते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अभी ट्रेन से। वो भी कमेंट आएगा, किसने कैमरा लिया, बराबर नहीं लिए, भाभी ने लिए। वही हम लोग जस्ट अभी ट्रेन से यहाँ पे उतर गए। अल्लाह ये कैसा मुझे मारे, भयानक दिख रहे, भयानक दिख रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है रिक्शा में। तो भाभी ने टॉर्च चालू किया कि हम लोग दिखे, आप लोग को दिखे हम लोग। तो भाभी तो बोलते मैं भयानक लग रही, अच्छे तो लग रहे ना, अच्छे लग रहे। अब मेरी मम्मी बिजी है फोन ढूंढने में, पता नहीं उनके ये तो मेरा भी तो ले लो, उसी में मेरे हाथ में तो ये है ना। सब हम लोग खा रहे हैं पानी पूरी। अलग वो कटोरी का वो टूटा हुआ है, गिर जाएगा। भाभी टेस्ट करो, अच्छी है, अच्छी रहती पानी। तो ये मेरी दीदी भी आके हम इनका वेट कर देते हैं। तो ये आ चुके हैं और इनका अंधेरा आ रहा है इस तरफ, लाइट की तरफ है ना, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये इनका आउटफिट है, ऑलवेज एवरग्रीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम, बढ़िया। आप कैसे हो? आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यों, बाल काटे? बाल काट कर दिए, भूख नहीं लग रही। हम लोग कब से वेट कर रहे तुम लोग का? मैं तो खा के आया हूँ। खा के आए जब ही हम लोग कब से वेट, हम लोग कल कितने बजे निकले? हम मैं बाल कटने का खा रहे थे यार, बाल कटने से पहले हम लोग को भूख लगी तो हम लोग खा रहे थे। वो भी आए थे। अच्छा, आज ही कटवाया बाल? अब भी हाँ, यहाँ के आ गए। हम लोग अभी बैठे टेबल पे। भाभी भूख लगी? भाभी देखो, भाभी फोटो भी निकाल रहे। हम लोग वेट कर रहे हैं दीदी का, गए हैं हाथ धोने के लिए, आ रहे हैं। मम्मी आओ ना, वहाँ उतर चलो। मैं आपके लिए रुका था ना यार, बांध के जो बैठना था। हाँ ना, कंप्यूटर दोनों में से कहाँ बैठे? दोनों चाहिए मेरे को, चलेगा आ जाओ। ये है मेरा भतीजा जो दूल्हा है, और ये उसकी वाइफ। माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह की जोड़ी ऐसी सलामत रखे। और बस ये हम लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे। ये है मेरे मामूजाद भाई और दूल्हे के अब्बू। और मैं गौर की मम्मी से यही बोल रही थी कि आ जाओ हमारी फ़ैमिली के साथ में भी एक फ़ोटो क्लिक करो और वीडियोज़ लो। और मेरे भाई यही बता रहे थे गौर की मम्मी को कि क्या बॉन्डिंग है फरजाना और मेरी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम सबसे ज़्यादा बहुत क्लोज़ रहे हैं दीदी उनके साथ में, बचपन से ही साथ में खेले हैं और अभी तक। क्या खाना? फल
डांस कर रहा है ये लोग को। अपन बोर हो रहा है तो अपन ने बोला चलो मामी मेरे साथ में डांस कर। पकड़ा है पकड़ा है अपन को, अरे लो अपन पकड़ा है। चल अपन आज हम लोग वहाँ पे फ्रूट सेक्शन में चलते हैं थोड़ा सा ग्रीन वाला। ग्रीन ये पपैया वाटरमेलन कितना प्यारा कितना क्यूट छोटी छोटी संतरा। और ये मुझे एक दे दे सिर्फ एक पैरो एक दे दे पैरो। पैरोट का भी एक पिंजरा भी पीछे पैरोट ये ना पीछे केज। जलेबी हेलो वो जलेबी है हमने जलेबी सॉरी नहीं देखी थी मैं तो नहीं खाऊंगी। तुम मत खाओ ना तुम खाओ तुम खाओ मेरे को जला जला के खा रहे हैं भाभी जलेबी बेबी। अम्मी को तो मालूम दीदी को पता ही नहीं है दीदी तो नहीं खाएगी दीदी नहीं खाएगी। जाओ सामान की जाओ चल ना चल चलो बाय हटो हटो कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो भी कैमरा ऑन करो चलो अल्लाह हाफिज नमाज के जाओ चलो दुआ में आ जाओ बाकी वो डर लग रहा है मैं भी यहां पर ऊपर चढ़ जाऊं आई नो दिस इज कनेक्टेड आ जाओ आ जाओ रेडियो में नहीं काम आएंगे अवे फ्रॉम साइट अटेंशन दिल हथेली में लटकाना पड़ता है मशीन पे लिफ्ट नहीं लगाना। अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट डे हो चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं हकीके में। हमारे नेबर है छोटा हमारा बच्चा है तो वो भी बच्चा है आपने देखा होगा ब्लॉग में तो वो बच्चे का हकीका है आज और बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। भाभी हम लोग अभी निकल रहे बस वो लोग भी निकल गए तो आपसे वहाँ मिलते हैं। हम लोग खाना बाद में आएंगे ना पहले हमारा ब्लॉग चाहिए। दादी ली ना जल्दी ली जल्दी ली दादी के साथ में हिम्मत हिम्मत अपने ये ले रहा ये भी दादी लेता दादी का लेना। हम लोग आ गए घर पे और बस अफशा का भी वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे की उसकी फ्लाइट है वहाँ से बेंगलोर से निकलेगी और फिर वो आ जाएगी मुंबई हमेशा के लिए आप लोग की दुआ से। आप लोगों ने बहुत दुआ की है उसके लिए हम लोग सब ने भी दुआ किया है और एक घंटा उसको लगेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए आई थिंक वो 1:30 बजे तक आ जाएगी यहाँ पे तो फिर वो जैसे आएंगी फिर आपसे मिलाती है। थोड़ी फ्लाइट डिले होने की वजह से लेट होने की वजह से अफशा अभी जस्ट पहुँची है अल्हम्दुलिल्लाह और अभी बैठी है खाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ खाना। और आप देख सकते हैं कि अभी बज रहे बंद होके जा रहे 3:28 कब चलो नहीं खा खा से अभी मेरे को भी खिला दी ठीक है मिलते हैं फिर आपसे सुबह में। सो फाइनली अफशा आ गई है मुंबई हमेशा के लिए। अफशा बेंगलोर में थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी 6 महीने उसके वहाँ पे निकल गए हैं। 3 महीने उसका ट्रेनिंग चला और 2 महीने से वहीं से वो फ्लाई कर रही थी। एक्चुअली अफशा तो जुलाई में गई थी ना जून में गई थी अफशा लास्ट में बस ईद को 2 दिन ही बचे थे तो अफशा यहाँ से चले गई थी। ईद मतलब बकरीद को 2 दिन बचे थे तो अफशा को 26 को गई थी 29 को ईद थी है ना ऐसा कुछ तो तभी गई थी वो तो खैर कोई नहीं। बेंगलोर भी अच्छी सिटी है बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे कैसा है कि बेंगलोर में
जब अफशा वहाँ पे थी और जैसे कि अफशा को थोड़ा सा खाने का प्रॉब्लम हो रहा था। खाने का प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए अगर हम कहीं पे जाते हैं कुछ भी चीज़ को एडजस्ट करना थोड़ा टाइम लगता है। अफशा वहाँ पे 6 महीने थी और अफशा ने जहाँ पे एक्चुअली जब पीजी में थी वहाँ पे तो वहाँ पे अफशा को रसम राइस वगैरह आता था और वहाँ पे ना नॉन वेज अलाउड नहीं था। तो ऐसा नहीं कि अफशा चलो ठीक है अफशा बाहर से लावे या पे वहाँ से जाके अपना कुक करके बनाए करे, तो खैर चलो वो तो हो गया है। कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना कि हमको कुछ खोने के बाद कुछ पाना रहता ही है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना अफशा। सो यही था और ठीक है कोई नहीं, 6 महीने निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत अच्छे से निकल गए। और कभी कभी अफशा बाहर का खाना मंगवा लेती थी वहाँ से, तो कैसा होता है कि डेली हम बाहर का खाना खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और एक दिन का खाना आप 300-400 रुपए का दोनों टाइम अलग अलग टाइम पे 300-400 का बनाओ मंगाओ तो 1000 रुपया हो ही जाता है। तो आप डेली तो आप इतना कर नहीं सकते। और ठीक है जब तक वो बैंगलोर को समझती रहती ठीक है, बैंगलोर अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गई है मुंबई, बस बहुत दुआओं के बाद, बोलते ना दुआ तकदीर बदल देती है, तो माशाल्लाह से बहुत उसने इबादत की, बहुत दुआ की, हमने भी यहाँ पे दुआ की, आप लोग ने भी उसके लिए बहुत दुआ किए और ऐसी ही आगे दुआ देते जाना हमको भी, हमारे पूरी फैमिली को भी और अफशा को भी। तो क्या बोलना है अफशा, देखो कुछ बोलना है अफशा, बोली नहीं अफशा को आके कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत घर है मेरा, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा ही मुझे तो। उसके बाद भी लोग बोले कि बैंगलोर ने ऐसा क्या, बैंगलोर ने रखा, बैंगलोर ने तुम्हें पाला। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैंगलोर अगर हम बैंगलोर सिटी में रह रहे वहाँ पे सबका अपना अपना होता है, सबका अपना अपना होता है। बैंगलोर वाले जो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, बैंगलोर वाले सब अपना, अगर हमारे मुंबई में हमारे क्या, हम सबका ये मुंबई, हम सबका ये इंडिया है, हमारे मुंबई में भी आओ रहो खाओ पियो। हाँ किसी को एडजस्ट में बोल रहा हूँ ना, किसी को एडजस्ट होने को टाइम लगता है। अब जब तक वो एडजस्ट होती है तब तक तो चलो खत्म हो गया, उसका निकल गए। और मुंबई आके बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मेरी मुंबई की जर्नी जो है वो आप लोग देखना और इंशाल्लाह अच्छी। और बोलते ना कि फैमिली फैमिली होती है, अपने जो अपने होते हैं अपने जो करीब होते हैं वो बात अलग ही होती इतने दिन। और वहाँ पे कई जो उसकी साथ में फ्रेंड्स थे तो वो सब अलग 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 लोग फ्लाई करने स्टार्ट कर दिए थे तो उनको टाइम भी नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा सब जाते थे एक साथ में, जब तक ट्रेनिंग चल रहा था तो सब उन लोग घूमने जाते थे, घूमने जैसे कुछ भी चले गए बाहर यहाँ पे। उसके बाद से सब अपना अपना फ्लाई करने लग गए तो अकेले अकेले पूरा टाइम वो लेटी भी रहती है। और ज्यादा करके मोस्टली इसकी फ्लाइट रात की होती थी ना, मोस्टली सब रात की फ्लाइट हुई 2-3 बजे। हाँ तो पूरा दिन एक ही बिस्तर पे लेटना, और कितना इंसान मोबाइल देखेगा, कितना इंसान किसी से बात करेगा, कोई रहता भी नहीं था बात करने के लिए, तो आप सोचिए कि क्या होता होगा। और वहाँ पे ज़्यादा करके बैंगलोर में बहुत लोग है ना ट्रेनिंग के लिए जाते, मैंने देखा है बहुत लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो वहाँ पे ना एकदम साइलेंट पीस होता है ना, मतलब वो ऐसा है बहुत अच्छा है वहाँ पे ऐसा। जो ट्रेनिंग के लिए जाता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसको साइलेंट चाहिए बताए। अब हम तो कैसे मजाक मस्ती करने वाले और एक जगह बैठने वाले नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आप मुझे बिठा दोगे ना बात करने के लिए, मैं तो इतनी बात करती हूँ, आप देख रहे हो अभी व्लॉग में कितनी बात कर, मैं तो बहुत बात करती हूँ। कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 2 मिनट तो तू चुप हो जा, मैं बोलती अगर चुप हो जाए, देखो क्या होता है अगर हम बैठ जाते कहीं पे भी चुप बैठ जाते हैं तो हमारा दिमाग है ना चालू हो जाता है सोचने के लिए, अरे ऐसा क्या होगा, अरे ऐसा क्या होगा, अभी ये क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ भी आपके ऊपर ऐसा कुछ भी आता है तो आप लोग सोचना स्टार्ट करते। वो सोचने दो ही मत ना, सोचने का काम हमारा हमारा सब चीज करने वाले का ऊपर वाला करने वाला है। अगर आप कुछ भी चीज रख दो, समझ लो आप सपोज आप घर में शादी रख लो तो आप लोग टेंशन में हो जाओगे कि अरे ये शादी कैसी होगी, अरे अल्लाह ने रखा है तो अल्लाह ही उसका सब कुछ करेगा ना, उस पर छोड़ दो। बस हमारा काम क्या है उस पे चलना, उस पे अमल करना कि कैसे तो करना है। हाँ, मैं तो सीखा है जो वो देगा मैं तो उन चीजों पे राजी हूँ अभी तो, जैसा वो है। और बाकी के जो वजीफे हैं जो हमने किए, दुआएं जो हमने किए, मम्मी आप लोग को व्लॉग में बताएगी कौन सा वजीफा क्या किया, क्या पढ़ा, कौन सी दुआएं पढ़ी, वो सब आपको मम्मी के व्लॉग में देखने मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से करना वजीफे। हाँ इंशाल्लाह इसके बाद का जो मेरा व्लॉग आएगा वो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि तहज्जुद की नमाज में क्या पढ़ना चाहिए, और आपको कुछ चीज़ के लिए 3 वजीफे, ऐसे तो बहुत वजीफे होते हैं पर 3 ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी
पूरे डिटेल के साथ में कि उसको आप कैसे पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, फिर एंडिंग लेते हैं यहाँ पे मेरे व्लॉग की। ठीक है, तो एंडिंग लेते हैं मेरे व्लॉग के लिए यहाँ पे, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आई होप सो। और आते हैं नई वीडियो के साथ में, तो इंशाल्लाह जब तक के लिए दुआ कीजिए, दुआ में याद रखिए, दुआ कीजिए सबके लिए, पूरी उम्मत के लिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अपडेट के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बजाना मत भूलना। चलो अल्लाह हाफिज़।